गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ दो वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला, उसमें स्वरों की मात्रा के विषय में पढ़ेंगे। तो स्वरों की मात्रा क्या है? जब व्यंजन के साथ स्वरों का योग होता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है। ठीक है, जब व्यंजन के साथ स्वर लगते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है। जो स्वरों का ये जो चिन्ह होते हैं स्वरों के, उनको मात्रा कहते हैं। ठीक है, आ स्वर को छोड़कर शेष सभी स्वरों के मात्रा चिन्ह हैं। ठीक है, आ स्वर में कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आ स्वर में प्रत्येक व्यंजन को पूर्ण बनाता है। जैसे देखिए, आप ये स्वर लिखे हैं और ये मात्राएं हैं, उसके बाद मात्रा सहित ये व्यंजन है और ये शब्द हैं। क प्लस अ मिलकर क बनता है और च प्लस अ मिलकर चा बनता है। इसी तरह देखिए, आ का कोई चिन्ह नहीं है तो का, लेकिन का जब हम लिखेंगे तो उसमें क्या होगा? का लिखते समय ये का खाली ऐसा प्लस ठीक है, का प्लस अ मिलकर ही पूर्ण का बनता है। अब देखिए, अ का कोई चिन्ह नहीं है इसलिए वो का जो है वो कमल में बदल गया। बड़ा आ इसकी मात्रा है, ये खाली पाई, और का ये मात्रा सहित है, उसका शब्द बना काम। इसी तरह से ई, छोटी ई की मात्रा ये लगती है, और उसके बाद अगर हम का में छोटी की मात्रा लाएंगे तो इस तरह से बनने लगेगी और बन जाएगा किताब। ठीक है, इसी तरह से सारी हैं, बड़ी ई मात्रा ये लगेगी और जब का में बड़ी की मात्रा लगेंगे तो की बन जाता है, उससे कीमत बन गया। इसी प्रकार छोटा ऊ, उसकी मात्रा हुई ये, और जब हम का में लगाएंगे तो कु बन गया और कुल। बड़ा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा ये रही और कू बन गया, कूदना। इसी तरह री, री की मात्रा री ये होती है नीचे को, ठीक है, और इससे क्री बनता है, क्री कृपा। फिर ए, ए की मात्रा है ये और इसमें ए के बन गया, के का में ए की मात्रा लगाई, के केला शब्द। ए तो ए की मात्रा ये कै हो गया, कैसे कैसी या कैसा। ओ की मात्रा लगाई तो को बन गया, को से कोयल। ऐसे ओ की मात्रा लगाई तो को से कौन, कौआ, कुछ भी लग सकते हैं। ठीक है, रा जो होता है, र में ऐसा नहीं है कि रा को हम इस तरह से लिखें कि रा लिखा इसमें नीचे ऊ लगा दी, या रा लिखा नीचे ऊ लगा दी, ये दोनों ही गलत है। ठीक है, जो रा है उसको इस तरह से लिखा जाएगा, और जैसे आधा रा, ये हलंत वाला रा है, इसमें जब हम ऊ जोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, और फिर इससे शब्द बने गुरु और पुरुष। इसी तरह से र में अगर बड़ा ऊ लिखेंगे तो रू बनेगा, शुरू और रूपा। समझ में आया आपको बच्चों? इस तरह से स्वरों की मात्राएं बनाई गई हैं जिससे हम व्यंजन को पूर्ण बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।